जिला सोलन में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीबीएन का क्षेत्र कोरोना संक्रमितों का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। सोमवार को भी दो मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है। इसमें 23 अभी भी एक्टिव कोरोना संक्रमितों के मामले हैं। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। कोरोना संक्रमण ना फैले इसलिए स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें कार्य कर रही हैं, जिसमें खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं उनका भी टेस्ट करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग करीब 100 से 150 लोगों के टेस्ट भी करवा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि सोलन में दो मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति राम शहर के क्वारंटाइन सेंटर में था, जिसका टेस्ट करवाया गया था और वो पॉजिटिव पाया गया। वहीं दूसरा व्यक्ति 28 दिन पहले बाहरी राज्य से बद्दी आया था और 21 दिन पहले जब उसका टेस्ट करवाया गया था तो नेगेटिव आया था, लेकिन आज जब उसका टेस्ट करवाया गया तो वह पॉजिटिव आया है। उन्होंने बताया कि उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो इन दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। मैं डॉक्टर एनके गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सोलन। पिछले दो दिनों में हमारे पास दो केसेस जो है कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से एक आदमी को जो हमने रखा था वो राम शहर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। दूसरा जो आदमी है वो तकरीबन एक महीना पहले हमारे पास आया था डिस्ट्रिक्ट में, और वो तकरीबन 28 दिन पहले हमारे 21 दिन पहले तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ था और अब वो दोबारा पॉजिटिव हुआ है। इसको देखते हुए हमने एक तो एहतियात रखा ही है कि जो भी लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे हैं उनकी 100% सैंपलिंग की जाए।